तैंतीस करोड़ देवताओं के देश में, 33 करोड़ देवताओं के इस देश में 100 करोड़ मनुष्य हैं, यानी हर 3 मनुष्य के पीछे एक देवता है, यानी एक परिवार के पीछे तो कई बार दो दो देवता हैं। 4 लोगों के मेरे परिवार के लिए समझो 1.5 देवता हुए। ईश्वरीय संयोग की मेरे परिवार में 4 में से 3 जन ईश्वर विमुख, यानी एक देवता मेरे यहाँ फालतू है। फिर भी पट्टा डटा है मेरे घर में इस उम्मीद में कि सफेद बालों वाला मैं किसी दिन उसे मानने लगूंगा, तो मान लेंगे उसे मेरे बच्चे भी, उनके बच्चे भी, मिल जाएगा उस फालतू देवता को भी काम। हे उम्मीद देवताओं को तो बख्श, देवता और आदमी में कुछ फर्क तो कर। तो दोस्तों, एक क्रांतिकारी कविता विष्णु नागर जी की, जिसमें वो बता रहे हैं आस्तिकता नास्तिकता के साथ, विश्वास और धर्म के साथ मनुष्य और ईश्वर का रिश्ता। आप मानते हो या ना मानते हो, ये कविता ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये आपको अंधविश्वास मुक्त बनाए। अगली कविता का शीर्षक है अमेरिका का प्यार। अमेरिका चाहता है कि इस धरती के समस्त जन उसे प्यार करे, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया होगा कि वह दुनिया में कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। वह अफ्रीका में गंदगी पर भिनभिनाती एक मक्खी को खतरनाक घोषित करके उसे मारने के लिए फौजें भेज सकता है और उस मक्खी के सिवाय सब कुछ को तबाह कर सकता है। उसमें किसी को कहीं भी सरेआम लूटने, नंगा करने, किसी के भी किसी भी नितांत निजी मामले में दखल देने, किसी की भी रोजी रोटी और आज़ादी छीन लेने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इस धरती के समस्त जन न केवल उसे प्यार करें, बल्कि प्यार करने का एक इकरारनामा भी करें, जिसका कि वक्त ज़रूरत उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। वे प्यार करें मगर उसे पलट कर न पूछें क्या वह भी उन्हें प्यार करता है, क्योंकि यह प्यार करने के कारनामे के विरुद्ध है और इसलिए अमेरिका की बेइज्जती है, और अमेरिका उनसे अपनी तौहीन करवाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि उसे प्यार करते हैं, क्योंकि यह छूट तो उसने उन्हें भी नहीं दी है। जो कि उससे प्यार नहीं करते हैं, उसे प्यार न करने की सज़ा है मौत, जो कि संयोग से उसे प्यार करने का पुरस्कार। एक अद्भुत कविता अमेरिका के प्यार पर, दोस्तों, विष्णु नागर जी की। और मैं अपने अमेरिकी अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूँगी कि बहुत हद तक मैं इससे सहमत हूँ, ये है अमेरिका का एटीट्यूड है, लेकिन और दखल तो भयानक है, वहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन वे अमेरिकी भी इसमें शामिल हैं जो यहाँ से बसे हुए लोग हैं, वे भारतीय मूल के अमेरिकी भी और वे तुरंत के पहुँचे हुए भी जो अमेरिकी देखने का बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।